कांग्रेस में फिथुल गई, कांग्रेस में कोई नेता नहीं रहा, सब चल रहा है बढ़िया, अभी तक नहीं हुआ था 32 साल से, अब बीजेपी का विधायक बन गया, अब होगा विकास। अब लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ था तब पार्टी कांग्रेस सरकार बन रही थी, और जनता चल रहा हूँ कहूँगा वो जीती उनकी मध्य प्रदेश में 2900 सीट आने, अभी हमने बरैया जी के दर्शन भी नहीं किए, संध्या राय तो मिल जाएंगे 2-4 बार, खत्म बरैया रैया कुछ नहीं होना, बीजेपी सॉलिड बीजेपी सरकार जो दिल्ली से शुरू में देखने आते हैं, अरे अभी कांग्रेस की सरकार विधानसभा में है, अब है बीजेपी की, अब चालू हुई है, अब देखो पंडित जी क्या करते हैं, कांग्रेस से मुलजिम बन रही है जी, बिल्कुल नहीं देंगे हम तो वोट किसको, बीजेपी को जरा ही यहाँ से जीतती आई, मतलब जब भी चुनाव आते हैं तो उनका बस एक ही वो रहता है कि चलो फिर घूम के आते हैं हम, तो जैसे ही चुनाव निकल जाएगा फिर उसके बाद वो दिखती तक नहीं है, केवल फॉर्म भरे जाते हैं के अलावा कुछ नहीं होता, मीटर होता है टाइम बस पेपर लीक हो जाते हैं उन्हें कैंसिल करवा दिया जाता है, बस यही चल रहा है, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बीजेपी ने खाद पानी हमें का ऑफिस खाद पानी टाइम पर मिल रहा है, बच्चन को खाए पीने को रात तक मिल रहा और काम मिलेगा, आप भारतवर्ष में प्राइवेट शिक्षा है सरकारी कहीं नहीं, क्या मजबूरी है आपको कि आपको बीजेपी कैसी भी हो लेकिन फिर भी वो विकास करेगी, वो बेरोजगार नहीं है जो हलाल है, वे बेरोजगार है, वो बेरोजगार नहीं है, वो बेरोजगार है बताओ, कांग्रेस से जैसे बरैया जी को टिकट मिला है बेकार आदमी है, बरैया को जीते उड़ेंगे यहाँ केवल संध्या राय, इसके बारे में तो युवाओं को सोचेंगे समझेंगे वही बता पाएंगे, आप ही युवा हो, हाँ तो अब ये बताएंगे ना, चुनाव आएगा उस टाइम पे बताएंगे, हमें तो ये लगता है कि इनमें से तो कोई है नहीं।